आज के इस एक और खास वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका यूट्यूब पे थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया है मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए, तो आप बहुत ही सिंपली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। YT स्टूडियो में चले जाएगा एप्लीकेशन में, वहाँ पे लास्ट में डॉलर का साइन होगा नीचे में। स्टेप टू अप्लाई है, पहला अप्लाई कर लेगा तुरंत ही टर्म एंड कंडीशन आप वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद बोलता है कि आपने पहली बार गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है तो उसको कैसे बनाएं, तो यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पहले नहीं बनाया तो नो लिखिएगा और सीधे स्टार्ट करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वो ईमेल आईडी डालना है जो आप कोई भी चूज करना चाहते हैं एक्सटर्नल अकाउंट के लिए। कोई जरूरी नहीं कि आपका जो यूट्यूब पे ईमेल आईडी वही सेम ईमेल आईडी आप यूज करें, सेम ईमेल आईडी यूज करते वो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यह ऐसा नहीं है कि सेम मेल आईडी रहेगा तभी अब वो वेरीफाई होगा, वैसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे टाइम लगे वहाँ पे जैसे भी जो भी चीज़ें हैं वो एक एक करके हम बताते चलेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप सेटअप कर पाएंगे। सेटअप करने के बाद जब टोटल प्रोसेस हो जाता है वेरीफिकेशन के लिए, कम से कम एक महीने का वो टाइम मांगता है, लेकिन बहुत टाइम पहले यानी एक दिन में, दो दिन में, चार दिन में भी कंप्लीट हो जाता है पॉलिसी। जो उनकी जो पूरी चीज़ें होती हैं जो चेक करते हैं वो एक एक करके, हम फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। कई बार होता है कि आपके साथ भी आएगा तो आप थोड़ा नेट कनेक्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि नेट कनेक्शन में कोई डिले तो नहीं है। नेट कनेक्शन कई बार होता है स्लो चलता है तो उस वजह से भी आप ऐसा प्रॉब्लम आती है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा कुछ घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर से हम एक बार कोशिश करते हैं नेक्स्ट करके और जैसे ही प्रोसेस होगा एक बार स्टेप फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो नो आई नीड टू क्रिएट ए अकाउंट, ठीक है, चलिए फटाफट हम आपको दिखाते चलते हैं, इसलिए कि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप खुद भी सीख पाएंगे और दूसरों को भी बता पाएंगे। ऐसा ये चीज़ है कि आप दूसरों को भी हेल्प कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपको पेज पे ले जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये आजकल जो YouTube पे आजकल पॉलिसी जो मोनेटाइजेशन का पॉलिसी का जो गाइडलाइन है उसमें आपको सिर्फ 500 सब्सक्राइबर करना है और 3000 वॉच टाइम करना है, नहीं तो अगर आप शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं तो 3 मिलियन शॉर्ट्स वीडियो डालने हैं। बहुत ही आसान तरीके से फटाफट कर लीजिएगा। चलिए हम नेटवर्क चेंज करके देखते हैं और तब देखते हैं कि ये काम कर पा रहा है कि नहीं। वाईफाई आई थिंक थोड़ा स्लो चल रहा है, हाँ नेटवर्क काम कर रहा है। तो चलिए फटाफट नेटवर्क से आप एक ईमेल आईडी चूज़ कर लीजिए जो भी आप एक्सटेंड अकाउंट के लिए देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिशर प्रोडक्ट है जो आपका जो अकाउंट है वो सारी डिटेल्स आने लगती है, पेमेंट करेंसी US डॉलर है। आगे प्रोसेस करते हैं, चैनल के URL आ जाता है, यहाँ पे चैनल का जो मेन URL होता है, बाद में अभी तो कम @ आ चुका है लेकिन ये ओरिजिनल उठाता है एडसेंड अकाउंट, ठीक है। कस्टम इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में आपको नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है सेम टू सेम वो एड्रेस आप लिखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। कि नाम कुछ हम लोग कई बार होता है कि हम यूट्यूब पे जो नाम रखते हैं वही हम सोचते हैं वही नाम डालना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल नाम डालना है। आपका जो आधार कार्ड पे नाम है वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पुट ऑन करना है, पुट ऑन करके सारी चीज़ें सेम रखनी, क्योंकि जो आपका जो एडसन पिन होता है वो आपके एड्रेस पे आता है, कम्युनिकेशन एड्रेस पे आता है, बाई पोस्ट आता है, पोस्टल आता है। ऐसा नहीं कि कुरियर बॉय आपको कॉल करेगा कि सर आपका एडसन पिन आ गया। बहुत केसेस में होता है कि पोस्टल ऐसी जगह पे आप रहते हैं जहाँ पे कुरियर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आपको बाई पोस्ट मिलता है। तो आपका जो एड्रेस सही सही होना चाहिए। अगर नहीं है और आप पहले ही अप्लाई करते हैं तो आप पहले एड्रेस वेरीफाई कर लीजिए, मतलब एड्रेस को अपडेट करवा लीजिए अपने अकाउंट में और फिर उसके बाद एडसेंड के लिए अप्लाई कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जितना सॉर्टेड आप रहिएगा उतना आसान आपकी लाइफ बन जाएगी और मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट कीजिएगा और थ्रेशोल्ड कंप्लीट कीजिएगा $100 के और आराम से आपके पेमेंट जो टाइम पे आने लगेंगे। और वो बैंक अकाउंट डालिएगा जिसमें स्वैप कोड होता है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप कोई नॉर्मल बैंक का डालें और वहाँ पे कोई स्वैपिंग कोड है नहीं, तो वो भी आप चीज़ देख लीजिएगा। मैं फटाफट एड्रेस डाल रहा हूँ और मैच करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि जो आपने पिन कोड डाला है वो मैच नहीं कर रहा आपके स्टेट, तो स्टेट मेरा उत्तर प्रदेश है, मैंने उत्तराखंड चूज़ किया तो वो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया ताकि आप जो आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत भी डालेंगे तो आपको ये वेरीफाई हो जाएगा। तो आप एक बाई एक एक करके आप कोई भी चीज़ चूज़ करेंगे तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा। जितने भी यूट्यूबर भाई हैं यहाँ पे या यहाँ पे गर्ल्स हैं तो वो सारे लोग यहाँ पे आप जाके चूज़ कर सकते हैं आसान तरीके से कि किस तरीके से आपको एडसन अकाउंट वेरीफाई करना है। और कोई प्रॉब्लम हो जरूर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ज़रूर आपको यहाँ पे हेल्प कर देंगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये कंप्लीट हो गया है एड्रेस। बहुत लोगों का छोटा रहता है, बहुत लोगों का यहाँ पे सबसे ऊपर लिखना है अपने फादर्स का नाम डालना है, सन है, केयर ऑफ में कुछ भी है डाले हुए हैं तो ठीक है। उसके बाद आपको टाउन डालना है, एड्रेस डालना है, जो एरिया है वो डालना है, पोस्टल, अगर ज़्यादा एड्रेस लिखा हो तो सारा एड्रेस डाल दीजिएगा ताकि आपका जो एडसन पिन है वो एकदम करेक्ट एड्रेस मिले।
वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन। ये मैसेज आ चुका है। अब ये इन्फॉर्मेशन आने में जो जो यहाँ पे जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा डिले जाता है। कई बार जैसे मैंने बताया कि 2 से 3 वीक यहाँ पे लिख रहा है, यानी कम से कम आपको 20-21 दिन लगते हैं, लेकिन ये 24 घंटे या 48 घंटे में भी कभी कभी बहुत तेज़ी से वेरीफाई हो जाता है। और जैसे एक बार कंप्लीट होता है तो गेट रिव्यूड, यानी यहाँ पे जब पॉलिसीज हैं उसको गेट रिव्यू करके सक्सेसफुली हो जाएगा और ये सीधे आपको ले जाएगा एक्शन के अकाउंट पे, जहाँ पे आप अपना इनकम टैक्स वेरीफाई करते थे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इनकम टैक्स के जो कैटेगरी है, कैसे वेरीफाई करवाना है आपको, एक एक चीज़ें कैसे चेकबॉक्स को कौन सा टिक करना है कौन सा नहीं करना है, वो हम आपको बताते चलेंगे। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ एडसेंड अकाउंट का जो पॉलिसीज क्या जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम एक एक करके आपको बताते चलेंगे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद है। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार हमें हमारे चैनल को दीजिए। कुछ पूछना है इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर आपका हेल्प करेंगे। और आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और भी बहुत सारे पॉलिसीज से रिगार्डिंग हम यूट्यूब्स की वीडियोस लेके आते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत होती है। ये मेरे वन ऑफ माय फ्रेंड को ज़रूरत थी तो मैंने उन्हें हेल्प किया, और आपको भी एक तरह से हेल्प मिल जाता है, इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया। थैंक यू सो मच।